बातों को आगे बढ़ाते हुए, हम सब जानते हैं जो पीएमएलए है, जिसका उपयोग ईडी करती है, उसका मूल स्पिरिट जो था वो था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कि मनी का जहां ट्रेल हुआ उसकी जांच हो। लेकिन ये बंधुदा ने कहा पहले हेमंत बाबू को और अब अरविंद केजरीवाल जी को, इनको जो उनका क्लॉज 50 है जिनमें उनको ये ताकत दी गई है कि वो कभी भी किसी को भी केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तीन को छोड़ के किसी को भी कभी भी अरेस्ट कर सकती है। लेकिन जो मनी ट्रेल हुआ इलेक्शन बॉन्ड के द्वारा, जिसके पुख्ते आधार बने, हमारे यहां आधार क्या बना, एक भुंयरी जमीन का बात आया 8.5 एकड़ का, जो दाखिल खरीज अभी भी एक पहान के पास है, वहां मनी ट्रेल कहीं नहीं है। लेकिन पीएमएलए के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई, जो 2 साल से आपके लोगों के साथ जो शराब, कथित शराब घोटाले की बात हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि 100 से 300 करोड़ का मनी ट्रेलिंग, लेकिन मनी ट्रेल कहीं नहीं हुआ, एक पैसा बरामद नहीं हुआ। और जब इलेक्ट्रल बॉन्ड सामने आ गया तो जो सरकारी गवाह है अरविंदो फार्मा का मालिक, उसके द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड, एक जब शराब नीति बन रही थी तब दिए गए थे भाजपा को, आपको एक भी नहीं। और जब उनको जमानत दे दी गई उसके बाद 40 करोड़ रुपए और दिए गए। तो जहां मनी ट्रेलिंग है वहां कार्रवाई नहीं है, कार्रवाई है कि लोकतंत्र को समाप्त करो, चुनाव को एकतरफा करो। हमने देखा कि पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेतागण, उनके वर्तमान अध्यक्ष और 2 पूर्व अध्यक्ष कोषाध्यक्ष के साथ एक साथ आए और 30 साल पुरानी इनकम टैक्स की बात की और उनके खाते सीज कर लिए गए, फ्रीज कर लिए गए, जिसमें 150 करोड़ रुपए भारत सरकार को दे दिए गए, उसको डाइल्यूट कर दिया गया और 265 करोड़ रुपए इनके अकाउंट का फ्रीज करके रख लिया गया। कारण क्या दिखाया गया कि 30 साल पहले सीताराम केसरी के जमाने में 14,40,000 करोड़ को जो कैश था वो डिपॉजिट होने में 1 महीने का वक्त लगा, लेट हुआ। प्रावधान कहता है 14,40,000, उस एक्ट में कहता है कि आप मैक्सिमम फाइन पेनल्टी 10,000 का कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने उसका जो फाइन का पेनल्टी है वो 116 करोड़ रुपया किया। मतलब सीधा डाका अब पॉलिटिकल पार्टी के फंड पे डाला जा रहा है।
हम लोग बंधुधा लोग इसलिए उद्विग्न है, कहीं किसी रात को मालूम चला कि बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, उनके जितने केंद्रीय बल हैं, एसएसबी, बीएसएफ, कहीं आकर हमारे इस ऑफिस में बॉम्बिंग ना कर दे कि हमारे जो भी दस्तावेज हैं जो भी पार्टी के प्रचार के मटेरियल है सबको एक साथ ध्वस्त कर दो। ये आज के दिन में बहुत बड़ा सवाल है। ये हमला हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल पर नहीं है, कांग्रेस पर नहीं है, ये हमला आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।